बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ठंड से बचाव के लिए मरीजों और उनके परिजनों के रुकने के लिए रैन बसेरा व अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो भी मरीज आते हैं उनको भर्ती किया जाता है और उनको यहाँ पर रहने, सोने व खाने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही उनके साथ जो परिजन आते हैं उनके लिए दो रैन बसेरे की भी व्यवस्था है। एक रैन बसेरे में 108 लोगों के रुकने की कैपेसिटी है और दूसरे रैन बसेरे में 125 लोगों की कैपेसिटी है। वहां पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। साथ ही साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज कैंपस के अंदर चार जगहों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि कुछ जगह पर नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है और कुछ जगहों पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है। ट्रामा सेंटर के पास जो रैन बसेरा है वहां दिन और रात अलाव जलता रहता है, इससे मरीज को काफ़ी राहत मिलती है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मरीज के साथ जो परिजन आते हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की गई है। मरीज के साथ परिजन को भी निःशुल्क भोजन मिलता है। उन्होंने बताया कि मैं खुद रात में राउंड पर निकलकर देखता हूं, जो भी मरीज़ ठंड से बेवजह परेशान होते हैं उनके लिए एनजीओ के से कंबल की व्यवस्था की गई है। यदि कोई मरीज़ किसी कारणवश कंबल नहीं पाता है तो उनके लिए रैन बसेरे में निःशुल्क व्यवस्था की गई है, उनको वहाँ कंबल मिल जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने कहा, क्या नाम है? नहीं कहा है, खाना नहीं है, चावल बस। बीआरडी में जो मरीज आता है जिन भर्ती लायक उसको भर्ती कर लिया जाता है और उसको यहाँ पर बिस्तर कंबल सब दिया जाता है। जो मरीज के साथ तीमारदार आते हैं उसके लिए बीआरडी में दो रैन बसेरा हैं, जिसमें एक की 108 कैपेसिटी है, दूसरे 125 कैपेसिटी है। वहाँ पर निःशुल्क उनके ठहरने की व्यवस्था है। साथ ही साथ मतलब जो है कैंपस के अंदर चार पाँच जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। कुछ जगह नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है, कुछ कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी की गई है। इनमें जो है रैन बसेरा है, मेन है ट्रामा इमरजेंसी के, यहाँ पर दिन और रात अलाव जलता रहता है, इससे मरीज काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मरीज यहाँ भर्ती होता है उसके साथ जो तीमारदार आता है उसके लिए निःशुल्क भोजन की, मरीज के साथ साथ मरीज के तीमारदार को भी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। तो ये देखा गया है, अक्सर हम लोग मैं भी रात में निकल करके राउंड लेता हूँ, कोई भी मरीज यहाँ पर ठंड से मतलब जो सिकुड़ता या मतलब जो परेशान होता हुआ नज़र नहीं है। इसके लिए कुछ एजेंसियों से एनजीओ से कंबल के लिए बांटे गए हैं,
जिनको हमने रैन बिस्तर में रखवाया, अगर कोई मरीज के साथ तीबादार आता जो किसी कारण सप्ताह बिस्तर नहीं ला पा रहा है तो रैन बसेरे में निःशुल्क जा करके वहाँ पर उसके सारी व्यवस्था है, उसको वहाँ से बिस्तर मिल जाता है और कंबल मिल जाता है, ये व्यवस्था की गई है।